मैं रजनी, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं शहीद मेजर अमित देसवाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुरेती झज्जर से हूँ। मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में RTI एक्ट 2005 के बारे में बताया गया है। रजनी, ये क्या लिखा है? मुझे नहीं पता यार, ये तो बताओ ये क्या लिखा है। अरे यार, मैंने क्या दिया ना, मुझे नहीं पता क्या हुआ। प्रॉब्लम मिला? हाँ, घर पे प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम है? अरे घर में उसकी जगह बताया, मम्मी पापा तो है नहीं, इकलौती दादी है, उनकी भी पेंशन नहीं आ रही, रुकी हुई है। सरकारी दफ्तरों और सरकारी ऑफिसरों और कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगा लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो अब इसका समाधान क्या है? देखते हैं, अगर आज सोमी सर आएंगे पढ़ाने के लिए, उनसे पूछते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं? यस सर। अच्छा, कौन नहीं आ रहा? ललिता और नेहा। कहाँ गए वो? छुट्टी की एप्लीकेशन दी उन्होंने? नहीं, गलत बात है बेटा, छुट्टी की एप्लीकेशन देनी थी उनको। चलो, जो काम दिया था वो कर लिया। फार्मूले याद है? इंटीग्रेशन चल रहा है तुम्हारा, तो फार्मूले सुनूंगा मैं। पहले एक वंदना खड़ी हो जाओ। साइन एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है? और कॉस एक्स का? बैठ जाओ। फार्मूला बेटा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? रजनी बताएगी। सर मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता बेटा? तीसरा ही तो फार्मूला है ये। इतने नर्वस क्यों हो रहे हो आज? कुछ मेरे को प्रॉब्लम लग गई। सर, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है? सर, घर में मम्मी पापा तो हैं, लोग दादी है, उनकी भी पेंशन रुकी हुई है, और सरकारी अफसरों दफ्तरों और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। दादी क्या बुढ़ापा पेंशन है? यस। ये तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा चलता रहता है, कोई काम रुक जाता है, कोई काम जो है स्मूथली चलता रहता है। तो पेंशन रुकी हुई है, उसका कारण जानो और RTI एक्ट भी लगाओ। सतीश सर के पास जाके पूछो, वो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं, तो बताएंगे कैसे जो है RTI के थ्रू सूचना हम ले सकते हैं। तो उनसे पूछो एक बार जरा, और इतने नर्वस ना हो। सर, इसके साथ हाँ जाओ, दोनों जरूर। कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मुझे RTI एक्ट 2005 के बारे में। आपको RTI एक्ट 2005 के बारे में क्यों जानना है? सर, मेरी दादी की पेंशन रुकी हुई है, सरकारी ऑफिसरों दफ्तरों और कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगा दी, लेकिन कोई समाधान नहीं। यानी आपको अपनी दादी जी की पेंशन रुकी हुई है, इसके बारे में सूचना प्राप्त करनी है। तो RTI एक्ट 2005 भारत सरकार का एक कानून है, जिसके द्वारा हम किसी भी विभाग से उससे संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सादे कागज पर अपनी जो सूचना आपको प्राप्त करनी है उसको सूचना आयुक्त को दे सकते हैं। अगर आप जनरल समाज से आते हैं तो आपकी ₹50 फीस लगेगी। अगर आप BPL परिवार SC BC परिवार से आते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगती। आप संबंधित विभाग से एक सादे कागज पर कोर्ट में जाकर के सादे कागज पर उसके साथ आप अपनी ID लगा करके और किसी विभाग से उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट में देते हैं तो उनको आपको एक निश्चित समय में लिखित रूप से उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त देने का उनका हक बनता है और वो आपको प्रदान करेंगे। आज हम गांव सुरेती में हैं और एक महिला से उनकी पेंशन कटने के बाद उनकी जो उन्होंने जो अपने पेंशन कटने पर जो किया उससे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, इनका नाम है श्री कृष्णा। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। ठीक हो? ठीक सर। क्या आपकी पेंशन कटी हुई थी? हाँ जी। फिर कैसे समाधान निकला? आपने फार्म भरा था? हाँ जी। फिर आपकी कोई फीस लगी? नहीं लगी। RTI एक्ट 2005 ने आपकी कोई मदद की है? हाँ, करी।
तो इससे आपकी मदद हुई है? हाँ जी। अब आप पहले आपकी पेंशन रुकी हुई थी? हाँ जी। ये बार नहीं लगी है? हाँ जी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं कुछ। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस संबंधित विभाग के पास जा सकते हैं और फार्म भर के, अगर आप SEBC या नीचे गरीब रेखा से नीचे हैं तो आपकी फीस नहीं लगेगी, और अगर आप जनरल कास्ट से हैं या सामान्य कास्ट हैं तो आपकी 50 रुपये फीस लगेगी। इससे संबंधित अगर और कोई समस्या हो तो आप इस विभाग के पास जा सकते हैं। अच्छा, अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। धन्यवाद। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। ठीक हो? हाँ ठीक। आज हम गांव सरेती में हैं और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई थी। इनका नाम है श्री रामकिशन और इनकी पेंशन रुकी हुई थी। आपकी पेंशन रुकी हुई थी? हाँ रुकी थी। फिर आपने क्या किया जिससे आपकी पेंशन? आपने बताया वो हिसाब में RTIF के द्वारा आपकी पेंशन हुई। हाँ। आपने फार्म भरा तो आपकी कोई फीस लगी थी? ना, नहीं। तो अब आपकी पेंशन आने लगी है? हाँ। अगर इससे संबंधित और कोई दिक्कत हो तो आप उसकी संबंधित विभाग के पास जा सकते हैं और फार्म भर सकते हैं जिससे आपकी रुकी हुई पेंशन और आ सकती है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं। आ रही है आपकी पेंशन? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। आओ, आज हम गांव कुंजिया में हैं और श्री कौरलाल जी के पास हैं। इनकी पेंशन रुकी हुई थी जिसका समाधान हमने इन्हें बताया और इनकी पेंशन आ गई। आज हम इनसे पूछते हैं कि इनकी पेंशन कैसे आई और कैसे इन्होंने क्या किया। नमस्ते दाऊ जी। ठीक हो? हाँ ठीक। आप क्या आपकी पेंशन रुकी हुई थी? हुई थी। फिर क्या समाधान दिया आपने, कैसे उसका समाधान किया? उसके वह कट गई थी, फिर आप RTIF 2005 उसके द्वारा। हाँ। आपको क्या सहायता मिल सकती है? इसकी सहायता आप जैसे सहायता मिली है। आपने आपकी कोई फीस लगी थी जब फार्म भरे? ना। तो अब आपकी फीस, आपकी पेंशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ना। रेगुलर आ रही है? हाँ। अगर आपको इससे संबंधित और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर जाकर फार्म भर सकते हैं। अगर आप SEBC या गरीब रेखा से नीचे हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आप जनरल या सामान्य कास्ट से हैं तो आपकी 50 रुपये फीस लगेगी। आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार विभागीय लापरवाही के चलते रजनी की दादी की पेंशन रुकी हुई थी और RTI एक्ट के द्वारा सूचना प्राप्त करके उसकी दादी की पेंशन दोबारा से शुरू हो गई। RTI एक्ट भारत सरकार का एक कानून जिसके द्वारा हम विभाग से संबंधित सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सामान्य समाज से आते हैं तो 50 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या पोस्ट ऑर्डर के द्वारा फीस जमा करके हम आसानी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप SC, BC या BPL परिवारों से आते हैं तो आपको एक इसकी फीस भी जमा करानी नहीं पड़ती। आप एक सादे कागज पर अपनी ID के साथ संबंधित विभाग को सूचना के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको उसे संबंधित विभाग सूचना आसानी से उपलब्ध कराएगा। विभाग की सूचनाएं आपके स्थायी पते पर आसानी से पहुंच जाएंगी। तो आप RTI एक्ट का अधिक से अधिक फायदा उठाइए, सरकार से संबंधित योजनाओं का और विभागीय लापरवाहियों का सूचना आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। RTI एक्ट भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है जो जन मानस की सुविधाओं के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो RTI एक्ट का अधिक से अधिक फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।